असली भगत तो यही है, देख सकते हैं। हाँ, माथे में टीका। हाँ, अभी सुबह के बजे हैं 5:30 यानी 6 बजे हैं। तो अभी यहाँ पर जो है बिल्कुल एक नौला है जहाँ पर आप सभी को मैं बताया कि दूध का नौला, तो यहीं पर हम लोग उठे और उसके बाद सीधे यहीं पर आगे मतलब नहाने के लिए। बिल्कुल ठंडा पानी, बिल्कुल ऐसा हो रहा है बिल्कुल बर्फ़ जैसा। तो ये भी अगर हम इतनी दूर आए हैं और यहाँ पर हमें क्या कहते हैं पानी मिल जाए तो ज़रूर नहाएंगे। देखिए भाई कैसे नहा रहा है बिल्कुल ठंडे पानी से, तो मज़ा आ जाता है बिल्कुल ही ठंडे पानी से नहाने में। और ये भी एक अलग अपना स्वैग है, अच्छा लगता है अगर हम भोले के दरबार में आए और यहाँ आके नहाए नहीं तो फिर मज़ा ही कुछ है। अब इसके बाद नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर नाश्ता वास्ता बनाएंगे, फिर वहाँ से वो आगे रवानगी होगी। तो चलो भाई, जय भोलेगी, जय भोलेगी, नहा लो एक बाल्टी पानी डालो। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। और देख सकते हैं अभी चारों तरफ कोहरा भी लगा पड़ा है और काफी ठंड भी हो रही है। कोई नहीं, नहाने के बाद ठंड नहीं लगती। फिर मिलते हैं। और फिर तुम्हें चाय और गुड़ के बाद गुड़ की चुस्की मारते हुए ये है असली भगत। भगत भगत तो क्या भगत, सब अपने। यहाँ पर हमारा चाय, ये बनेंगे आलू के पराठे और इसमें भी इसको बनाया जाएगा। आटा हम लोगों ने लगा दिया गया है यहाँ पर, इसमें आटा है। और अभी आप सभी को दिखाते हैं जंगल में आलू के पराठे कैसे बनते हैं। लगा दिया गया आटा और ये आलू हम लोगों ने मैश कर दिया है। तो इस तरह इसे हाथ से ही बना रहे हैं घुमा घुमा के। तो यहाँ पर हमारे पास साधन नहीं है इसलिए नीचे थाली रखी है और इसको ऐसे ही बेले जाएंगे, ये बिल जाता है। और वहाँ पर बन गई है पराठे, ये बना है हमारा स्पेशल आलू के पराठे, बहुत ही स्वादिष्ट, वो भी बिल्कुल सरसों के तेल के साथ बनाने वाले हैं हमारे शंकर भाई जो कि लगे पड़े हैं। बाकी भक्तगणों को ऐसे देख रहे हैं जैसे इनको तो ऐसी भूख लगी है, देख सकते हैं आप तवे की तरह बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं। हाँ हाँ, मजा आ गया, वहाँ भूख लगी है तो खा लो ना, अभी नहीं। सच बताऊं जंगल में ना बहुत सारी भूख लगती है और जो ये पराठे हैं इनको देखकर तो क्या ही कहूं आप सभी से। और हमारे दो भाई वहां पर बैठे हैं, उनकी नज़र इन पराठों पर है, कब ये पराठे बने और कब हम खाएं। हेलो सभी को राम राम, नमस्कार, जय भोलेनाथ। तो अभी हमारा यहां से आगे का टर्न हो गया। अब तो आज आपको लेके चलूँगा पर्वत श्रृंखलाओं में जो कि बड़े बड़े पर्वत हैं यहाँ पर, तो आप सभी देख सकते। इतनी भूख लगी थी कि मैं आप सभी को वो ब्लॉग नहीं दिखा पाया खाते हुए, लेकिन अब हम लोगों ने खाना खा के हम लोग आगे घर की तरफ निकलने लगे हैं। तो आप सभी देखते रहें आगे का खूबसूरत नज़ारा और इन्जॉयमेंट। हमको जाना है वो ऊपर चोटी में, वहाँ से दिखेगी खूबसूरत नज़ारा चारों तरफ का। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा सीनरी आप सभी को नज़र आएगी यहाँ से। यह है भजनेश्वर का खाता और यहाँ पर कुछ ग्वाले अभी भी रहते हैं, वो सामने अगर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं हम और आगे दिखाते हैं आपको एक ऐसा पत्थर जहाँ पर बहुत ही रोमांचक आता है। चलो चलते हैं। आज आप सभी को लेके चलूंगा एक ऐसे पत्थर पर जहाँ से बहुत ही रोमांचक दृश्य दिखाई देते हैं। तो आप लोग बने रहे, मैं आप सभी को लेके चलूंगा। बहुत
ज़बरदस्त खाई है, लेकिन आप जब भी जाएं सावधानी पूर्वक जाएं, इतना आगे मत जाएं कि यहाँ से आदमी अगर गिरेगा तो। इतना पैदल चलने के बाद हम लोग कल परसों से इतना पैदल चलते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ी पहाड़। आपको अगर पीछे पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ से होते हुए हम लोग ऐसे करके यूं करके तो इस जो ये पहाड़ है इसके नीचे जो है तुम्हारा भटनेश्वर मंदिर है, तो वहाँ रुके और आज हम आए ऊपर से। देखिए आप, अभी लगभग 7-8 या 10 किलोमीटर अभी हम लोगों ने और पहाड़ टू पहाड़ चलना है। दिखाता हूँ आप सभी को वहाँ का नज़ारा। ये है, देखिए पहाड़ टू पहाड़ जाना है अभी। ये अभी और पता नहीं कितना चलना है, लगभग शायद 8-10 किलोमीटर और होगा, तो देखते रहें आप लोग। किस तरह जानवर भी जब जंगल में होता है तो आपस में झुंड बना लेते हैं, इस तरह ये एक साथ ही बस चारा चर रहे हैं और इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। ये अभी बहुत सारे जंगल में हैं और जब इन्हें महसूस होता है कि हमारा कोई अटैक करने वाला है, बाघ वगैरह, तो एक साथ हो जाते हैं झुंड में, देख सकते हो। ये भी एक प्रेरणा है। तो काफ़ी चलने के बाद हम लोग नीचे मैदान एरिया में आ गए हैं, जहाँ से अब हम लोगों का घर केवल 2-3 किलोमीटर है, यानी सीधे सीधे जाना है। अब कोई चढ़ाई नहीं है, कोई ऊँचाई नहीं है, तो वो बहुत चढ़ाई से आ गए हम लोग। बहुत ज़्यादा दूर चल के लगभग 6 किलोमीटर पैदल हम यहाँ पर आए हैं और रुके हैं। यहाँ पर चाय बनाते हैं, चाय बन भी गई शायद। और हाँ, चाय हम लोगों ने बना दी है। इससे पहले हम चाय पियेंगे। अब हमारे पास केवल एक टमाटर, थोड़ा मसाला, चावल और कुछ आइटम पड़ा है, तो वहाँ पर बनाएंगे। और इसके बाद देख, हमारी जब से हम जंगल में हैं तब से काढ़ा ही चल रहा है, बिल्कुल काढ़ा। अभी अब हम लोग निकल रहे हैं सीधे घर को, और बस यहाँ से हम लोगों का घर रह गया 1 किलोमीटर। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को हमारी ये 3-4 जो सीरीज वीडियो बनी हुई थी तो काफ़ी अच्छी लगी होंगी, और जिसने नहीं देखा वो भी देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक देते रहूँगा हर किसी वीडियो का, तो आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और हमारी ये जो जंगल की यात्रा है वो आज समाप्त होती है, और इसी के साथ आप सभी लोगों से दुआ लेते हैं। और आप सभी ये वीडियो पसंद करें, लाइक करें, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।